हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एमएलएम राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। तो दोस्तों, आज बात करने वाले WRX क्वाइन यानी कि WRX एक्सचेंज का खुद का क्वाइन WRX के बारे में। इसके बारे में प्रॉपर दोस्तों प्रेडिक्शन करेंगे आज की क्या प्राइस इसका रहेगा, कब तक क्या मूवमेंट आ सकता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और करते हैं इसका प्रेडिक्शन। तो दोस्तों, आ चुके हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और यहाँ पर देखिए मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, और चार्ट अभी देखेंगे 4 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया सबसे पहले, उसके बाद प्रेडिक्शन पूरी दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो एक सपोर्ट लेवल था इसको ब्रेक किया, इसने ब्रेक करके दोस्तों डाउन ट्रेंड की तरफ नजर आया, और अभी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसका वो ये बन रहा है, कौन सा 0., यहाँ पर अभी देखेंगे जो करंट प्राइस चल रहा है क्या चल रहा है, 0.77, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसका जो था वो ये है 0.59। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसने मतलब एक स्टेबल बनाया, अपनी स्टेबिलिटी बनाई, और यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ नजर आया प्राइस का, और यहाँ पर स्टेबल होता नजर आ रहा है। लेकिन 4 आवर का चार्ट अगर हम देखते हैं तो बीआरएस कैंडल यहां पर भी नजर आ रहे हैं हमें, और प्राइस अभी थोड़ा सा नजर अभी नीचे और नजर आ सकता है हमें। अगर दोस्तों यहाँ पर ये जो बीआरएस कैंडल है वो क्लोज होता है 4 आवर चार्ट में, तो दोस्तों प्राइस हमें थोड़ा सा नीचे नजर आ सकता है, यानी कि जैसे 0.77 है 0.70 तक भी नजर आ सकता है। तो उसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे एंट्री के टाइम, मतलब अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो उस चीज़ के लिए आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या माहौल रहा, मतलब ये दोस्तों जब से बिटकॉइन गिरा है वो ये माहौल बना, और ये डाउन ट्रेंड में मतलब ये एक डाउन ट्रेंड नजर आया, और यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आया। उसके बाद यहाँ पर मैं अगर 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पर एक बार प्रेडिक्शन देखते हैं ताकि थोड़ा समझने में और आसानी हो जाए। तो ये लीजिए मैंने 15 मिनट का चार्ट दोस्तों यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों मैं बात करूँ जो मेरा सपोर्ट लेवल यहाँ पर मैंने लगाए हुए थे उसको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर बनता है, मैं आपको ये लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर दोस्तों ये रहा हमारा, यानी कि जो नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ से दोस्तों प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ नज़र आता है तो प्राइस हमें 0.82 तक नज़र आ सकता है, देन प्राइस हमें $1.2 तक नज़र आ सकता है कि अगर प्राइस यहाँ से मूवमेंट लेता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अगर नीचे देखता हूँ तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन में लगाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या मूवमेंट रहा। ये देखिए यहाँ से प्राइस क्या हो सकता है कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों ये वाली, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये डाउन ट्रेंड यानी 4 आवर का जो फ्रेम अपना बना हुआ है, जो 4 आवर का जो चार्ट हमने ओपन किया था, जो पैटर्न बना था, अगर ये बीआरएस कैंडल इसको क्लोज करता तो दोस्तों प्राइस हमें 0.70 तक से लेके 0.60 तक नज़र आ सकती है, 0.70 से लेके 0.60 तक नज़र आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर ये बुल में क्लोज करता तो दोस्तों प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ नज़र आ सकता है, और प्राइस जा सकता है 0.82 तक प्राइस यहाँ से नज़र आ सकता है। ये था दोस्तों अपना 4 आवर एंड 15 मिनट का चार्ट जो मैंने ओपन किया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा 4 आवर के चार्ट पर फिर से लेकर चलूँ तो आप थोड़ा सा हम देखेंगे बारीकी और, तो ये आगे 4 आवर का चार्ट हमारा, और प्राइस दोस्तों यहाँ से अगर मूवमेंट लेता है यानी कि BTC प्राइस में जैसे मूवमेंट आएगी तो प्राइस हमें दोस्तों यहाँ से इस तरीके से नज़र आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पिछले लास्ट टाइम भी अगर मैं पीछे ले चलूँ आपको, चलिए यहाँ पर पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये वाला जो मोमेंट रहा था यहाँ पे, यहाँ से प्राइस एक अच्छा खासा मोमेंट लिया था और बहुत शानदार बुल के हमें रैली मिली थी देखने के लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड हमें देखने के लिए मिला और प्राइस में ज़्यादा मोमेंट हमें नहीं मिला, यानी कि इस पैटर्न में इसने ट्रेड किया, यानी कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ दोस्तों ये वाला पैटर्न में, ये पैटर्न में इसने ट्रेड किया। और यहाँ पर दो सिचुएशन बनती है, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है प्रॉपर, जब भी कोई भी क्वाइन सेम पैटर्न में ट्रेंड करता है इस तरीके से, ये वाला पैटर्न जो बना यानी कि यहाँ से, और ये देखिए ये सेम पैटर्न, ये सेम पैटर्न में इसने ट्रेड किया है। कोई भी एक क्वाइन जब इस सेम पैटर्न में ट्रेड करता तो दो सिचुएशन बनती है दोस्तों, या तो सिचुएशन ये बनती है या सिचुएशन ये बनती है। यहाँ पर मैंने लगभग 8-10 वीडियो में पहले ही बताया था कि आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपको समझ में भी आया होगा वो सारी चीज़ें, और आपको यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा कि सेम पैटर्न में यहाँ पर ट्रेड हो रही है अभी ये वाली, यानी कि दोबारा मैं बनाता हूँ उसको, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी दोस्तों। ये लीजिए ये सेम पैटर्न चल रहा है ये वाला भी, पीछे तक आप लेके चलेंगे सेम पैटर्न आपको दिखेगा, यानी कि इस पैटर्न में ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन बनेगी दोस्तों, अगर ये ब्रेक करता है इसको तो प्राइस दोस्तों 0.70 से लेकर 0.59 यानी कि ये वाला टच कर जाएगा, और ये 0.59 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ से प्राइस दोस्तों अगर ऊपर की तरफ नजर आया तो ये देखिए यहाँ पर जा सकता है, यानी कि $2 तक भी प्राइस हमें जाता हुआ नजर आ सकता है यहाँ से अगर ये बैक लेता है। प्राइस सबसे पहले टारगेट हमें 0.82 मिलेगा, फिर उसके बाद 1.11, 1.13, 1.74, 2.20। तो अभी अगर आप शॉर्ट में ट्रेड लेना चाह रहे हैं यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग को, तो अपने रिस्क पर ले दोस्तों, यहाँ पर दोनों सिचुएशन हो सकती है, यानी कि हमें प्राइस ऊपर की तरफ भी ज़्यादा नजर आ सकता है और नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो स्पॉट में सिर्फ बोलूंगा मैं कि स्पॉट में आप एंट्री ले लीजिए, स्पॉट में एंट्री कैसे लीजिए दोस्तों,
कि अभी जैसे आप एंट्री लेना चाह रहे हैं 20% की एंट्री अभी आप ले लीजिए, उसके बाद सेम सिचुएशन ये देखिए कि पैटर्न अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद 20% की एंट्री आप और ले लीजिएगा, क्योंकि आने वाले फरवरी के महीने में दोस्तों रिटर्न इसका शानदार मिल जाएगा आपको। लगभग ज़्यादा बड़ी बात नहीं, तो 10 से 15% का रिटर्न आपको ईजिली देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रहेगा दोस्तों WRX WGRX का एक्सचेंज का। और आने वाले टाइम में दोस्तों अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड की बात करूँ, यानी कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि एक्सचेंज के कॉइन को होल्ड जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में देखो बहुत बड़ी प्लानिंग इनकी होती है एक्सचेंज की, तो प्राइस बहुत ज्यादा जाएगा। यानी कि 2025 की बात करूं तो इजीली दोस्तों प्राइस में बहुत बड़ा रिटर्न, जैसे कि BNB क्वाइन में, यानी कि बाइनेंस एक्सचेंज के BNB क्वाइन में हमें रिटर्न मिला था, उस तरीके से आने वाले टाइम में WGRX के एक्सचेंज के WRX क्वाइन में भी हमें रिटर्न मिल सकता है। यानी कि प्राइस 5000 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता दोस्तों। देखिए WGRX एक्सचेंज के जो CEO है वो अंदरूनी क्या प्लानिंग कर रहे हैं WRX को लेकर के, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ बर्न करने की प्लानिंग हो, जिस तरीके से उन्होंने अभी रेफरल प्रोग्राम में पहले क्या होता था INR दिया जाता था, लेकिन अभी क्या जा रहा, अभी WRX क्वाइन जा रहा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बेनिफिट हुआ लोगों का, क्योंकि WRX क्वाइन इकट्ठे हो रहे। और सेकंड चीज़ क्या है कि प्राइस भी इंक्रीजमेंट होगा जब लोग सेल करेंगे या बाय करेंगे या होल्ड करेंगे उसको, तो यहाँ पर भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग हो जो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दे। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट पैटर्न की बात करूँ, यहाँ पर देखिए शॉर्ट पैटर्न में अगर बनाता हूँ, ये देखिए शॉर्ट पैटर्न में भी सेम सिचुएशन है जैसे मैंने आपको बताया, जैसे लॉन्ग टर्म फोर आवर वाले चार्ट में मैंने आपको बताया कि अगर इसको ब्रेक करता तो प्राइस दोस्तों यहाँ नजर आएगा 0.59, और लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ जाता नजर आएगा तो पहला टारगेट हमें 0.82 नजर आ सकता है। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन आपको सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके या मैसेज करके पता कर सकते हैं। अगले आप प्रेडिक्शन किस क्वाइन के ऊपर आप चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करो, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।